टॉपर्स के गैंग, मैं मिताब देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी, भिलाई, कैलाश नगर, एकता चौक, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं मिताब देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी, भिलाई, कैलाश नगर, एकता चौक, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। और आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा है कि आप लोग आज प्रैक्टिकल एक पॉज कर दोगे बेटा मेरे, जो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके देखोगे उसके बाद मुझे बताओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल घर में कर सकते हो क्योंकि आप लोग अभी घर पे बैठे हुए हो, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, एक कांच का ग्लास लोगे और जनरली सबके घर पे कांच का ग्लास होना, बाउल तो होगा ही, और उसको ऊपर तक के पानी पैक कर दोगे और एक सिक्का डाल दोगे, ठीक है। सिक्का जब ऊपर से देखोगे तो कैसा फील होता है और साइड से देखोगे तो कैसा फील होता है, ये मुझे जल्दी से ये प्रैक्टिकल करके बताओ। पॉज कर दो बेटा, पहले करके बताओ, उसके बाद मुझसे मेरा ये वीडियो आगे देखना। तो देखिए प्रैक्टिकल करके कैसा फील हुआ, जब साइड से देखते हो तो सिक्का नीचे है और जब ऊपर से देखते हो तो सिक्का ऊपर आ जाए रहता है, तो ये क्या हो रहा है। इसी कंसेप्ट को मैं पढ़ाने वाला हूं, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के नाम से। रियल डेप्थ यानी सिक्का जिस ऊपर से जितने डेप्थ पे नीचे है उस डिस्टेंस को रियल डेप्थ बोला जाता है। चलो मैं बना के दिखा देता हूं। मैं मान लो कि ये जो ग्लास है, ठीक है, और ये सिक्का है और यहां तक पानी भरा हुआ है, तो इस डेप्थ को रियल डेप्थ बोला जाता है बच्चों। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं और कभी यहां तक उभरा हुआ दिखता है तो इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ। डेप्थ यानी पता है ना आपको, गहराई। आया क्या समझ में। तो ऐसा क्यों होता है, यहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला भी ना आपको ट्वेल्थ में डिराइव करना है, अभी नहीं करना, बहुत अच्छी चीज है ये। तो चलो देखते हैं कि ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होता है, ठीक है। मान लो ये कंटेनर है जिसमें हमने पानी भर रखे हैं, आया क्या समझ में। और मान लो रेड से बनाते हैं यार सिक्का, ये मान लो यहां पर एक कॉइन हमने डाल दिया, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, अपने एक कॉइन डाल दिया। अब यार जैसे ही लाइट रे ना इसके ऊपर टकराएगा ना, नहीं ये नहीं बोलना है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। यहां से टकराएगा ना तो ये तो डेंसर मीडियम है भैया, ये रेयरर मीडियम है, तो यहां पर से ये लाइट ऐसा बाउंस बैक होगा। क्यों, क्योंकि सिक्का चमकीला होता है, चमकीला यानी एक तरफ से पॉलिश मान के चलो और एक तरफ से स्मूथ, जिस कारण से लाइट जैसे टकराएगा इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये जैसे ही होगा ना बेटा, तो ये तो डेंसर मीडियम में जितना एंगल था उससे कहीं ज्यादा एंगल से ऐसे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारी आंखें जो है ना, हमारी आंखें जब उसको भूत नजर आ जाता है तो इसमें कैसे गड़बड़ी नहीं होगा, इसमें क्या गड़बड़ी होता है, इसको ऐसा तिरछा ना देख के यहां से मुड़ रहा है, ऐसा ना देखकर ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये सीधा 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 बनेगा, ठीक है। तो जहां पर ना ये दो ये जो एक दूसरे से, ये जो रियल वाला और ये जो अपरेंट, ये एक दूसरे जैसे टकराता था, हमें यहीं पर सिक्का दिखना शुरू हो जाता है। तो बेटा इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ बोलते हैं, और इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ कहते हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ। इसका कोई डेरिवेशन कुछ भी नहीं पूछेगा, इसका हो सके तो एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो इसके लिए ना आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। और क्योंकि सारे चीज पानी में हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह आप 4/3 भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। क्लियर हुआ, आपको रियल डेप्थ की वैल्यू दे दिया जाएगा और क्या बोलेगा कि आपको अपेरेंट डेप्थ कितना फील हो रहा है, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकता है कि
कि आपको रियल डेप्थ दे दिया और अपरेंट डेप्थ नहीं देगा, और बोलेगा कि कॉइन कितना उभरा हुआ फील हो रहा है, यानी कितना उठा हुआ फील हो रहा है। तो जो उठा हुआ फील हो रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो मैं आप लोग को एक काम दे रहा हूं कि इसके बाद जब इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ये फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला आप लोग के कॉपी में पहले से लिखा हुआ होना चाहिए बच्चों, तो जाकर मैं इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली और अच्छे और आराम से मैं करा सकता हूं। तो मिले नेक्स्ट वीडियो पे, इसको न्यूमेरिकल लेके आऊंगा बच्चों। तब तक आप लोग ये प्रैक्टिकल नहीं किए होगे तो करके देखना जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों।